स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिस्टोंग स्टी पर। दोस्तों आज मैं लाया हूँ हायर सेकेंडरी परीक्षा जून 2022 यहाँ पर कक्षा 12वीं जीव विज्ञान पेपर बायोलॉजी पेपर। ठीक है, आपका जो पेपर होने वाला दोस्तों 13 जून 2022 को, दोस्तों यही पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, ये 100% रियल पेपर है और जिस स्टूडेंट को ये फेक पेपर लगता है कृपया चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का, ये आपके एग्जाम में पेपर आने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों समय रहेगा 3 घंटे का, आपका इस पेपर का समय रहेगा। वो इस पेपर में टोटल 18 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये पेपर आपके एग्जाम में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आएगा। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है ये आपके एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का यहाँ पर कोड दिया है, ठीक है, 231। दोस्तों यहाँ पर हमको कुछ निर्देश दिए हुए, आप इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। ठीक है, हमको यहाँ पर दोस्तों निर्देश दिए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों आपको इस पेपर का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमारा पहला क्वेश्चन आने वाला यहाँ पर खंड आ से, सेक्शन ए से। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 5 नंबर के सही विकल्प आने वाले। दोस्तों रुकजनाई का पेपर 100 नंबर का आने वाला आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, जो रुकजनाई का आपका जो पेपर होने वाला है 13 जून 2022 को, ठीक है, बायोलॉजी का पेपर। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 100 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, दोस्तों पहले क्वेश्चन में क्या करना है हमको, दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं क्वेश्चन पढ़ के नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा दूसरा सही विकल्प दिया है यहाँ पर, तीसरा सही विकल्प दिया है यहाँ पर, चौथा सही विकल्प हमारा यहाँ पर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा पाँचवा सही विकल्प दिया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में भी यहाँ पर दिया है, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में है इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपके एग्जाम 5 नंबर के खाली स्थान आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको 5 खाली स्थान दिए गए, इनके उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसने यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में दिया है, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद उसने यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 3। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक शब्द में उत्तर लिखना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम 5 नंबर का आने वाले हैं। यहाँ पर हमको 5 क्वेश्चन दिए, इनके उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 4। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 में हमको क्या करना है, यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है। क्या करना है दोस्तों, सही जोड़ी का मिलान करना है। एक तरफ हमको यहाँ पर दिया है कॉलम आ दिया है, एक तरफ दिया दोस्तों हमारा कॉलम बा दिया है। यह आपके एग्जाम 5 नंबर की सही जोड़ी आने वाले, इनके उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों 5वां क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का आने वाला है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया है, आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, इनके उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 6वां क्वेश्चन देख लिए, 6वें क्वेश्चन में भी हमको यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया है, आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। यह आपके एग्जाम 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, इनके उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 7वां क्वेश्चन देख लिए, 7वां क्वेश्चन में भी हमको वही करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो 8वां क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, जो 8वां क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपके एग्जाम में 3 नंबर का आने वाला है, आपको दोस्तों यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया है, आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, इनके उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद जो हमारा जो 9वां क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, जो 9वां क्वेश्चन भी आपके एग्जाम 3 नंबर का आने वाला है, इनके उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लिए, 10वां क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उसके बाद तो जो दो सॉरी दोस्तों जो हमारा दोस्तों यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन आपके एग्जाम 4 नंबर का आने वाला है। ठीक है दोस्तों, जो 11वां क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया है, दोस्तों यहाँ पर हमको 8वां क्वेश्चन दिया है, आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 12वां क्वेश्चन दिया है, 12वां क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में 4 नंबर का आने वाला है, आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, इनके उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 13वां क्वेश्चन दिया है, 13वां क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 4 नंबर का आने वाला है, और यहाँ पर 14वां क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया है। ठीक है, इनके उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे 15वां क्वेश्चन दिया है, इनके उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है दोस्तों, ये आपके एग्जाम 5 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है अच्छे से। सबसे पहले दोस्तों आपको प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना है, जिससे आपको उत्तर समझने में या याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 17 क्वेश्चन देख लीजिए, 17 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमको यहाँ पर 18 क्वेश्चन दिया है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 18 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ठीक है। 18 क्वेश्चन में भी हमको यहाँ पर 18 क्वेश्चन दिया है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, या आपके एग्जाम 5 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों आपको किसी भी चैनल पर, ठीक है, पेपर नहीं मिलेंगे इस चैनल के सिवा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यदि वीडियो पसंद हो, यदि पेपर अच्छा लगा हो तो, ठीक है, यदि आपको इस पेपर पर भरोसा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, जिससे हमें दोस्तों मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमारा अब उत्तर देख लीजिए, ठीक है, जो बायोलॉजी का हमारा पेपर होने वाला है, जीव विज्ञान का, ठीक है, इनके उत्तर यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इनके उत्तर यहाँ पर दिए हैं, पहले क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर दिया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर दिया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर दिया है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर उत्तर दिया है। चौथे क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पांचवे क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर दिया है। अतो वाला का भी यहाँ पर उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा छठा क्वेश्चन दिया है, सातवें क्वेश्चन दिया है, आठवें क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ठीक है। आठवें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर चित्र दिख रहा होगा। उसके बाद दोस्तों जो आठवें क्वेश्चन है हमारा, इसका अतो वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। दोस्तों यह बहुत सरल पेपर है, आपको इस पेपर को एक बार अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इस पेपर को याद करने के बाद आपकी बुक से भी देख लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नौवां क्वेश्चन देख लिए और दोस्तों यहाँ पर हमारा दसवां क्वेश्चन देख लीजिए, ग्यारह क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा बारह क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर दिया है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तेरह क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर दिया है। यहाँ पर अतो वाले क्वेश्चन का भी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चौदह क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर दिया है। उसके बाद चौदह क्वेश्चन का यहाँ पर हमारा अतो दिया है यहाँ पर, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पंद्रह क्वेश्चन दिया है। पंद्रह के बाद दोस्तों यहाँ पर सोलह क्वेश्चन दिया है। सोलह के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा सत्रह क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर दिया है और इसके अतो वाला का भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है अठारह क्वेश्चन, इसका उत्तर भी आपको यहाँ से दिया है, ठीक है। आराम से याद कर लिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके भी आप इस पेपर को अच्छे से देख सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों आपको इस पेपर की PDF फाइल, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक PDF फाइल की, ठीक है। तो वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों आपको इनके साथ साथ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इच्छुक है ज्वाइन होने के लिए, ठीक है, तो इच्छुक मतलब ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।